नमस्कार दोस्तों, बस कुछ ही देर में आईपीएल का मेगा ऑक्शन 2021 के लिए ऑक्शन शुरू होने वाला है। हालांकि मेगा नहीं है, मिनी है, लेकिन मेगा मैंने इस लिहाज से कहा कि क्योंकि टीमें जो हैं वो उनके लिए तो बहुत मेगा ऑक्शन है। हालांकि है तो ये मिनी ऑक्शन, कुछ खिलाड़ियों की नीलामी होगी, जैसे कि 61 खिलाड़ी हैं उनकी ही जगह बची हुई है, 292 खिलाड़ी हैं, है तो ये मिनी ऑक्शन, लेकिन हर टीम के लिए बहुत मेगा अपॉर्चुनिटी है और वो चाहेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा भुनाया जा सके। तो फिर नियम क्या होने वाले हैं, बस 4 घंटे बाकी हैं ऑक्शन शुरू होने में। उससे पहले मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं ताकि आपको पता चल पाए कि आज किन किन नियमों का पालन करना होगा जिस वक्त ये सभी टीमें खिलाड़ियों को खरीदेंगी, और क्या क्या नियम होते हैं जब एक मिनी ऑक्शन में टीमें बैठती हैं और खिलाड़ियों को खरीदती हैं। तो सबसे पहले तो इस आईपीएल का सबसे पहला नियम होगा 85 करोड़ का पर्स, यानी कि हर टीम 85 करोड़ रुपए हर टीम को अलॉट किए गए हैं अपनी पूरा टीम बनाने के लिए। 25 सदस्यीय टीम होती है जिसमें से 8 आप मैक्सिमम विदेशी खिलाड़ी चुन सकते हैं और बाकी जो है वो आप इंडियन खिलाड़ी चुन सकते हैं, लेकिन इन सब की कुल कीमत जो है 85 करोड़ होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला नियम है, और इस हिसाब से अगर देखें तो अभी सबसे ज्यादा फायदे में पंजाब किंग्स है जिसके पास लगभग 53 करोड़ 20 लाख रुपए बचे हैं। फिर सनराइजर्स हैदराबाद है, कोलकाता नाइट राइडर्स है जिसके पास लगभग 10 से 11 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। इसके बाद जो दूसरा नियम है वो है कि फ्रेंचाइजियों को कम से कम 75% तो खर्च करना ही पड़ेगा, यानी कि 85 करोड़ रकम है और मान लीजिए कि 85 करोड़ के 70% में ही सभी टीमें, कुछ टीमों की पूरी टीम हो गई और उन्होंने जो कुल रकम खर्च की वो 85 करोड़ का 70% रह गया, तो बचा हुआ जो 5% है वो सीधा बीसीसीआई के खाते में चला जाएगा। इसलिए होशियारी नहीं चलेगी, कम से कम 75% तो आपको अपनी पूरी रकम का खर्च करना ही पड़ेगा। फिर अगर बच जाता है 25% आपकी रकम का बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप रखे रहिए, लेकिन 75% तो टीमों को खर्च करना ही पड़ेगा। अब इसमें मिनी ऑक्शन में पंजाब किंग्स के पास 53 करोड़ 20 लाख हैं, राजस्थान रॉयल्स के पास 37 करोड़ हैं, आरसीबी के पास 35 करोड़ हैं, इनके पास सबसे ज्यादा रकम है। ऐसे में इनकी नजर जो है वो कई सारे बड़े खिलाड़ियों पर रहने वाली है। तीसरा और जो है वो नियम होगा राइट टू मैच कार्ड। राइट टू मैच कार्ड अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये मिनी ऑक्शन है, और मिनी ऑक्शन होने की वजह से फ्रेंचाइजी आईपीएल 2021 में खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए राइट टू मैच यानी कि आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, और फ्रेंचाइजी मेगा ऑक्शन में ही इसका प्रयोग कर सकती है। और इसके बाद जो चौथा नियम है वो है एक भी टीम में खिलाड़ियों की जो अधिकतम सीमा है वो 25 खिलाड़ियों की ही हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया 25 खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा रखे जा सकते हैं एक स्क्वाड में, जिसमें से 8 जो हैं वो विदेशी खिलाड़ी हैं। विदेशी खिलाड़ी आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन कुल जो पूरी टीम है वो 25 ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा आप टीम में खिलाड़ी नहीं रख सकते। तो ये लगभग 4 बड़े नियम है जिनका ख्याल रखना होगा सभी आईपीएल फ्रेंचाइजियों को जब वो इस ऑक्शन में बैठेंगी। तो कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन बताइएगा जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया।